हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यह है हॉर्स ग्राम की दाल, जिसे कुलित भी बोला जाता है। पहाड़ों में बहुत ज़्यादा खाई जाती है ये। तो मैंने इस दाल को नॉर्मली पहले मैंने 7-8 घंटे के लिए इसे पानी में सोख करके रख दिया था। उसके बाद उस पानी को फेंक दिया और फिर इसमें दूसरा पानी डालकर, ठीक है, दाल से 4 गुना पानी डालकर नमक और हल्दी डाल के मैंने ये दाल उबाल ली है। यहाँ पर मैंने 4-5 सीटी लगा दी हैं इसमें और ये दाल इस तरीके से मैश हो गई है, गल गई है। देखिए, अब हम इसमें लगा देते हैं तड़का। बहुत हेल्दी दाल होती है ये, बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर मैं 4-5 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। 2 चम्मच जीरा डालेंगे इसके अंदर छोटी वाली, थोड़ी सी हींग डालेंगे, प्याज लहसुन का, अदरक का, सब चीज़ों का आप इसमें तड़का लगा सकते हो, टमाटर का, लेकिन मैं सिंपल तड़का लगा रही हूँ। मैंने यहाँ पर जो है सूखा धनिया डाल दिया है, 3-4 चम्मच छोटी वाली। सूखा धनिया डालने से थोड़ा ग्रेवी अच्छी हो जाती है। और यहाँ पे मैंने डाल दिए कुछ करी लीव्स, करी लीव्स का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये तड़का मैंने डायरेक्ट दाल में डाल दिया है। तो ये बहुत ही आसान क्विक रेसिपी है, एकदम से बनने वाली। अब इसे हम 5-10 मिनट के लिए थोड़ा खोल के पकाएंगे कुकर को, इस तरीके से ये थोड़ी कुक हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक छोटी चम्मच अमचूर पाउडर डाल दूँगी, जिससे ये और बढ़िया चटपटी हो जाएगी, क्योंकि खटास के लिए हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला था। तो यहाँ मैंने अमचूर पाउडर ऐड कर दिया है और इसे 5 मिनट और पकाएंगे। और लीजिए, तैयार हो गई है दाल। आप इसे चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। देखिए कितनी यमी और हेल्दी दाल है, और ये दाल बहुत हेल्दी होती है और अच्छी होती है खाने के लिए। तो कभी कभी थोड़ी अलग तरीके की दाल भी बनाना चाहिए, ठीक है? तो ये उसी तरीके की दाल है और बहुत हेल्दी है। तो इसे आप ज़रूर बनाइएगा, और बहुत अच्छी रेसिपी है, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसे बने, ठीक है? और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।